लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए News 29 इंडिया को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका News 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे और अब नजर देश दुनिया की खबरों पर। मोदी कैबिनेट की मंगलवार को हुई बैठक में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को मंजूरी दे दी गई है। सरकार 1 अप्रैल से सितंबर 2020 तक जनसंख्या का नया डाटाबेस तैयार करेगी। न कागज, न प्रूफ, न बायोमेट्रिक, सिर्फ ऐप के जरिए जनगणना होगी। यह पहली बार होगा कि जनगणना में ऐप का इस्तेमाल होगा। कैबिनेट की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इसकी जानकारी दी है। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि कैबिनेट मंत्रिमंडल ने जनगणना 2021 के आयोजन और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को अपडेट करने की मंजूरी दे दी है। यह स्व घोषणा है, इसके लिए कोई दस्तावेज, बायोमेट्रिक व अन्य की जरूरत नहीं है। कैबिनेट ने जनगणना 2021 के लिए 8,754.23 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अपडेशन के लिए 3,941.35 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। तो बने रहिए News 29 इंडिया के साथ, एक देश सारे प्रदेश।